की फ्लाइट चली गई, मुझे कल की फ्लाइट मिली है 24 घंटे। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड ये है हमारे यूरोप एक्सपेडिशन का लास्ट वीडियो जो है हमारा ट्रैवल व्लॉग। हम वापस जा रहे हैं बैंगलोर फ्रॉम पेरिस, बट द ट्विस्ट इज़ कि मैं और विनीत अलग अलग कैरियर्स को ट्रैवल कर रहे हैं। आई एम फ्लाइंग लुफ्तांजा जो जाएगी पेरिस से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से बैंगलोर, एंड विनीत ट्रैवल कर रहे हैं एमिरेट्स में, दैट इज़ फ्रॉम पेरिस टू दुबई टू बैंगलोर। तो ऑब्वियसली मैं विद इन यूरोप रहूँगी तो मुझे फ्लाई करना था डोमेस्टिक टर्मिनल से एंड विनीत को ट्राई करना था इंटरनेशनल टर्मिनल से। सो हमने किया एक दूसरे को बाय एंड देन हम अपने अपने टर्मिनल्स की साइड चलना शुरू हो गए। ये है पेरिस का एयरपोर्ट एंड पेरिस का एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। प्लस आई लव दिस टनल सिस्टम जो एक कोने से दूसरे कोने जा रहा है। जो डोमेस्टिक टर्मिनल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग के लिए नहीं था, बट जहाँ पे विनीत था उस साइड LV एंड जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं हर किसी के शोरूम थे। तो ये मैं हूँ सिक्योरिटी की लाइन में। उसके बाद देखिए एकदम ही छोटा सा एयरपोर्ट है, आपके गेट्स की स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद फ्लाइट बोर्ड करने का टाइम हो गया और खड़े होने की जगह नहीं थी, हमने कर ली अपनी फ्लाइट बोर्ड एंड अब शुरू होता है एक्चुअल ट्विस्ट। The flight deck, you kept in short updates, the fuel system just has been set operationally, that means for us we will be able to get our fuel and to commence our flight some minutes, I would say 20-30 minutes. बज गया है 12 और ये जो फ्लाइट थी उसको चल रहा था 10:30 बजे और ये हो रही है 12 बजे। सो 1.5 घंटे का डिले हम फ्लाइट में बैठे बैठे आई थिंक 10 बजे से फ्लाइट में बैठे, 2 घंटा फ्लाइट में बैठे बैठे हो गया। नेक्स्ट फ्लाइट 1 बजे तो वहाँ पर लैंड करेंगे, फिर कब मैं मूव करूँगी, शिफ्ट करूँगी, कनेक्शन, पासपोर्ट चेक, ये चेक वो चेक, बिकॉज वो वाला लेग मेरा इंटरनेशनल होगा, ये लेग मेरा डोमेस्टिक का। लेट्स सी व्हाट फ्लाइट में सो क्या होता है। फ्लाइट चली गई, मुझे कल की फ्लाइट मिली है 24 घंटे। अब क्या करूं, ओके सो अपडेट टाइम, मेरी फ्लाइट छूट गई। पहली वाली फ्लाइट जो थी वो चली गई, मतलब जब वो पहुंची तब तक दूसरी वाली फ्लाइट जा चुकी थी एंड थोड़े ना एक सेकेंड में कोरोना भी निकल गया। अब मैं क्या करूँगी, उन्होंने मुझे नेक्स्ट फ्लाइट दैट इज़ फॉर टुमारो उसमें डाल दिया है। तो बहुत देर इधर उधर उधर भागने के बाद मैं लिटरली एक गेट से दूसरे गेट इतनी तेज़ दौड़ी हूँ मेरी सांस फूल गई। बट दे हैव बुकड मी टू दिस, एक होटल बुक किया है जिसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड है। तो मैं वहाँ जाती हूँ, फिर देखती हूँ आगे क्या करना है, पता नहीं कहाँ जाना है ये एरिया भी। Let's go. मुझे एक स्पेसिफिक गेट असाइन हुआ था जहाँ से मुझे बस मिलनी थी फ्रॉम एयरपोर्ट टू द होटल, सो वो था B5। सो इमिग्रेशन करने के बाद और सारा कुछ ख़त्म करने के बाद आई वॉज़ ट्राइंग टू फाइंड दैट गेट, जो खुद में बहुत मुश्किल था बिकॉज फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। फाइनली आई रीच्ड माई गेट B5, यहाँ से मिलनी थी मुझे शटल। हर होटल का अलग अलग गेट है इस तरीके से। बढ़िया मजाक हुआ है, ऐसे टाइप के गेट्स बने हैं और ये हैं, इनके सामने आगे लिखा हुआ है कि कौन कौन से होटल की शटल स्पॉट पे आएगी। तो मुझे जिस होटल में जाना है उसकी शटल इसी स्पॉट पे आएगी, तो आए पहले पहुँचूँ, जाऊँ, लगेज रखूँ, कुछ नहीं खाया मैंने कल से, लैपटॉप है, चार्जर नहीं है, फ़ोन का पता नहीं कौन सा एक्सटेंशन है मेरे पास, सिर्फ पावर बैंक है। अब सीधे मैं होटल जाती हूँ, चेक करूँगी कि क्या है क्या नहीं है, पता नहीं क्या है। तो ये आ गई मेरी बस जिसको लेके मुझे होटल जाना था। तो मैंने अपना सामान रख दिया है, मैं सीट पे बैठ गई। इस टाइम पे सबसे पहले मैंने अपना फ़ोन रिचार्ज कराया फॉर इंटरनेट पैक।
होटल जो था वो एयरपोर्ट से अराउंड 6 किलोमीटर ही था, तो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट करके सुबह का बस टाइम बना के मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम। फाइनली सारा प्रोसीजर करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो ये रहा मेरा रूम जो मुझे इन्होंने दिया है। वॉशरूम भी काफ़ी डिसेंट था, रूम का साइज़ इज़ गुड, अलमीरा स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छी है, एंड बहुत बेसिक सा रूम है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड देन क्योंकि ये जगह ना बहुत ही बंजर टाइप की थी, सुनसान टाइप की थी, इसलिए मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को फर्स्ट फ्लोर देना। मैं सिचुएट हो गई हूँ होटल में, थोड़ा कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पीती हूँ। होटल रूम इन्होंने ठीक दिया, आई डोंट नो अबाउट द फूड, कैसा फूड मिलेगा, क्या फूड मिलेगा। पानी की बॉटल, कॉफ़ी बनाया जाए। अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आपको लगता है कि आपकी एक फ़्लाइट जो है, जो कनेक्टिंग वाली फ़्लाइट है, पहली फ़्लाइट, वो नहीं पहुंच पा रही है इन टाइम, तो अगर इंटरनेट है तो तुरंत चेक करो कि अगर आपकी फ़्लाइट को आपको रीबुक किया गया है कि नहीं किया गया। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पास इंटरनेट नहीं था, मेरा पैक जस्ट उसी दिन उसी टाइम पर ख़त्म हुआ था। एंड अगर मुझे पता होता तो अगर मैं वो एयरपोर्ट पर वो जो 2 किलोमीटर अराइवल से डिपार्चर दोबारा भाग के गई लगेज उठा के बुरी तरीके से, एंड देन व्हेन आई रीच्ड आई गॉट पैनिक्ड, मेरे को बहुत स्ट्रेस हो गया था कि क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगी एंड ऑल, अगर मेरे पास इंटरनेट होता तो शायद मैं फ़ोन पहले ही खोल के देख लेती और मैं इतना भागा दौड़ी नहीं करती। उसकी जगह मैं पहले ही उनके सर्विस डेस्क पे चली जाती और वहाँ पे जाके होटल का पूछ लेती एंड ऑल दैट थिंग। बट या सो आई एम स्टक इन फ्रैंकफर्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू। शाम के 4 ऑलरेडी बज चुके हैं, कहीं जाने का भी इतना कुछ मतलब नहीं बनता है अभी, प्लस मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ खाऊं और सो जाऊं। या आगे की जर्नी कल क्या होगा या शाम को मैंने क्या खाया, एवरीथिंग आई विल अपडेट। क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, 6 बजे बूफे खुलते ही मैं गई, मैंने खाया खाना, डिसेंट फूड था, बेसिक वेजिटेरियन फूड भी मिल गया था मुझे, एंड खाना खाते ही मैं लिटरली जाके सो गई थी। सो दैट वाज माय गुड मॉर्निंग। इज़ द नेक्स्ट डे, आज है मेरी दूसरी फ्लाइट। तो मैं हो गई हूँ रेडी, अभी बज रहा है 7:05, मैं जाती हूँ नीचे जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। 9 बजे मेरी यहाँ से बस है जो मुझे एयरपोर्ट लेके जाएगी, शटल काइंड ऑफ थिंग, तो मुझे एक अच्छा खासा बीच में गैप मिल जाएगा जब नाश्ते हैं उसके बीच में। सो वही बस अब रेडी होके, वो तो लकीली विनीत की टी शर्ट मेरे सूटकेस में पड़ी थी, उसमें एक भी मेरा कपड़ा नहीं था, सारे उसी के कपड़े थे, तो बस वही मैंने चेंज कर लिया है और अब चलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। वैसे तो मैंने एयरपोर्ट की बस के लिए 9 बजे बोला था, बट अभी बज रहा है 8, मैं रेडी हो चुकी हूँ, नाश्ता कर लिया, सब चीज़ हो गया, तो होटल रूम में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहीं चलती हूँ, वहीं पे वेट करती हूँ। सामान वामान बस इसमें से मैंने रात के कपड़े निकाले थे, बाकी सब पैक हो गया, चलते हैं अब। सारा कुछ हो गया है, मेरा गेट है B26, आज B26 है जो बिल्कुल बगल में है वहाँ से निकल के, कल तक 58, 20 मिनट दौड़ने के बाद, बट ऑल इन ऑल सब चीज़ हो गया है। फ्रैंकफर्ट के 3 ठप्पे लगे थे मेरे पासपोर्ट पे, तो इमिग्रेशन वाले भैया भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, बट इमिग्रेशन एवरीथिंग करके अब मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ, वहीं आराम से बैठूँगी, आँखों के सामने से हटने नहीं दूँगी फ्लाइट को, उधर ही चलते हैं। अब शुरू होता है मेरा 10 घंटे का अकेले सफ़र। सो, सबसे पहले उन्होंने स्नैक्स में कुछ चटपटा खाने के दिया, कुछ पीने के लिए दिया, फिर आया मेन कोर्स, एंड मेन कोर्स में एक्चुअली काफ़ी अच्छा ऑप्शन था, रायता, सैलेड, खीर, खीर बहुत अच्छी थी। ये सब खाने के बाद मैंने देखा हम कहाँ घूम रहे हैं, हम ओमन के ऊपर घूम रहे थे, उसके बाद लाइट्स ऑफ हो गई, सब लोग सो गए, बहुत बोरियत हो रही थी, मैंने कुछ कुछ कॉन्टेंट बिंज वॉच किया, बट
कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। फिर मैं रास्ते ही बैठ के देख रही थी। उसके बाद जब सुबह हो गई, सुबह एज इन लाइट्स जब ऑन हुई, तो उन्होंने हमको दिया एक वेट टिश्यू टू वाइप योर फेस एंड फील फ्रेश, एंड देन आए एक सैंडविच जो कि बहुत ही रद्दी था। एंड ऐसे करते ही हम बैंगलोर लैंड हो गए। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था बैंगलोर एयरपोर्ट को देख के, बैंगलोर पहुँच के, एंड मैं जा रही हूँ बाहर। हम वापस पहुँच गए हैं बैंगलोर, चलते हैं बाहर। बिनी तो कुटू आए होंगे। मेरा बुकु जी, मेरा बेटा, मेरा बेटा कौन था, कौन था,